दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अतुल कश्यप इस समय लाइव हुआ हूँ रामपुर कुशहर के नोगली से, जहाँ पर सतलुज नदी अपने पूरे उफान पर है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको लाइव टाइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सतलुज नदी जो है इस समय अपने पूरे उफान पर है और जो है दोनों छोर को आराम से छू रही है, जिससे साफ जाहिर है कि इस समय जो है सतलुज नदी में पानी का जलस्तर बहुत अधिक है। वहीं जो है नागपा झाकड़ी हाइड्रो परियोजना से भी बार बार पानी छोड़ा जा रहा है, हालांकि उसकी सूचना जो है पहले ही लोगों को दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि नोगली में मकान को छूता हुआ जो है सतलुज नदी का पानी है। अभी हमने यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मकान में जितनी भी दुकानें थी सभी लोग खाली करके जा चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा भी जो है लोगों को सूचित किया जा रहा है कि सतलुज किनारे ना जाएं और सुरक्षित स्थान पर रहें, अगर कोई है तो वो सतर्क रहें। आप देख रहे हैं कि सतलुज का बहाव कितना तेज है और पानी में भी एकदम से तेज से भारी मात्रा में है। आप देख रहे हैं कि सतलुज नदी के साथ जितने भी मिट्टी के ढेर लगे थे वो सभी बह चुके हैं, सतलुज नदी अपने साथ बहा के ले जा चुकी है। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश इसका मुख्य कारण है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी पानी बहुत अधिक आ रहा है। आप देख सकते हैं जो मिट्टी का ढेर लगा है ये यहाँ पर कहीं से लाकर फेंका गया था, जो कि सतलुज नदी के जलस्तर के बढ़ने के साथ साथ ही कटना शुरू हो गया। आपको इसमें दरारें भी नज़र आ रही होगी, और ये पानी का बहाव अगर ऐसे ही रहा तो ये सारी मिट्टी जो है बह के सतलुज नदी में जाएगी। हालांकि अभी तक रामपुर की बात करें तो यहाँ पर कोई अप्रिय घटना की कोई किसी तरह की सूचना नहीं है। प्रशासन लोगों को बार बार सतर्क कर रहा है कि सतलुज किनारे ना जाएं, सतलुज से दूर रहें। बने रहिए लाइव टाइम टीवी के साथ। मैं अतुल कश्यप, धन्यवाद।